दोस्तों आज हम आए हैं संत सांगदेव महाराज मंदिर। ये बहुत पुराना मंदिर है और ये एज यू कैन सी यहाँ पे ये पूर्णा नदी के तट पे बैठा है मंदिर। और ये मंदिर का खासियत ये है कि ये 12th century में बना हुआ है और बहुत ही पुराने आर्किटेक्चरल स्टाइल में ये बना हुआ है और काफ़ी देखने लायक मंदिर है। तो वही आज आपको दिखाएंगे और चलो देखते आजू बाजू का जो परिसर है वो भी काफ़ी संपूर्ण है। कीड़ी के बाग है, बनाना बाग है यहाँ पे। बहुत ही बनाना की बहुत ज़्यादा खेती होती है क्योंकि पूर्णा का पानी सब जगह है, काफ़ी पानी है। संत आदिशक्ति मुक्तई देवस्थान मेहून महाद्वार तापी तीर्थ, इस रास्ते से आगे आपको मेहून मिलेगा। मेहून भी एक प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है। चलो ये देखिए, मैंने जैसे बोला था ये परिसर पूर्णा नदी के घाट पे है तो पूर्णा नदी को भरपूर पानी है तो हर जगह केड़ी के बाग मिलेगी। जैसे ये देखो और इसको केड़ी भी लगी हुई है। यहाँ पे आपको पार्किंग सुविधा भी मिल जाएगी, जैसे हमने हमारी गाड़ी यहाँ पे लगाई हुई है। आपको दिखाते हैं, देखो पार्किंग के स्लॉट से अच्छे से उतना प्लान्ड है। ये हमारी गाड़ी है इर्टिगा, जैसे मैंने अभी लॉक किया गाड़ी और प्रॉपरली स्लॉट्स बने हुए हैं पार्किंग के लिए। चलो फिर आगे का एरिया दिखाते हैं। अब यहाँ पे एज यूजुअल जो मैंने पहले वीडियो में भी बहुत बार दिखाया है कि बहुत सारे स्टॉल्स हैं। इसके बाहर कोई भी टूरिस्ट प्लेस रहता है तो स्टॉल्स तो बनते ही है क्योंकि लोग आते हैं बहुत दूर से तो खाना चाय वगैरह पीना बनता है, तो चाय भी पीते हैं, रस पीते हैं, गन्ने का सीजन हो तो रस पीते हैं। ये देखो श्री कृष्ण मंदिर श्री क्षेत्र सांगदेव। तो अभी गन्ने का जूस पी लेते हैं, बहुत महीनों बाद गन्ने का जूस मिला हुआ है। गन्ने का जूस पहले पी लेते हैं। भैया कितने का ग्लास है? 15 रुपये का। चलो गन्ने का जूस पी लेते हैं, 15 रुपये का एक ग्लास है। ये गन्ने का जूस बनाया भैया ने, चलो मैं ले लिया, थैंक यू। तो ये देखो ये बच्चा पी रहा है, ये बहुत ही मज़ा ले रहा है ये गन्ने के जूस का। ए हाय हाय, हेलो, हाउ आर यू? चलो मैं भी पीता हूँ एक सिप, फिर आपसे बात करता हूँ। तो मैंने तो गन्ने का जूस पी लिया, मस्त था, गाढ़ा था एकदम, गन्ना अच्छा था। चलो अंदर जाते हैं अब मंदिर के अंदर। तो ये है प्रवेश द्वार, यहाँ अंदर गाड़ी या टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेना अलाउड नहीं है क्योंकि ये गेट बहुत छोटा है। इंटेंशनली ये रखा हुआ होगा क्योंकि बड़ी गाड़ी अंदर नहीं जानी चाहिए, इसलिए। चलो जाते हैं अंदर। तो यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, ज़्यादा पैदल नहीं जाना पड़ता है, साधारण 300 मीटर पैदल जाना पड़ेगा यहाँ से। ऐतिहासिक प्लेस है ये, बाहर का गेट है मंदिर के बाहर का गेट। यहाँ पे कुछ बोर्ड लगा हुआ है सांगदेव, इसका मतलब है, ये मराठी में लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये मंदिर में एंट्री करने के लिए कुछ भी इसका फीस नहीं है। तो किसी ने अगर आगे जाके फीस मांगी है तो ग्राम पंचायत से संपर्क कीजिए ताकि वो कार्रवाई कर सके। तो ये है मंदिर का गेट, एंट्री गेट। चलो अंदर जाते हैं। अंदर एंट्री करने के बाद यहाँ पे ये शिलालेख है, तो यहाँ पे डिटेल्स में लिखा हुआ है कि ये मंदिर के बारे में जो हिस्ट्री है इसका, ये हिस्ट्री के बारे में लिखा है। 3 languages में लिखा है, एक है हिंदी, मराठी और इंग्लिश, देख सकते हैं आप। ये है इंग्लिश में, ये है मराठी में और ये है हिंदी में, और दिस इज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो पीपल हु डोंट नो हिंदी एंड मराठी They can read this in English language. इसी के साइड में और एक यहाँ पे होर्डिंग है, वहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चलो आगे चलते हैं।
यहाँ पे देखो ये बहुत ही पुराने शिलालेख है, मतलब दगड़ है, स्तंभ है, इसी मंदिर के अवशेष है ये। यहाँ पे जो भी, और इसी के साथ ये बहुत ही पुराना स्तंभ हम देख सकते हैं। देखो इसी दोनों तौर दो स्तंभ रखे हुए हैं। ये मंदिर के ही अवशेष थे पहले, बट ये मंदिर पर किए आक्रमणों से ये मंदिर की का तोड़ मतलब गिरे हुए है, दगड़ शिलालेख स्तंभ, तो वही अवशेष इन्होंने यहाँ पे रखे हुए। तो ये है वो मंदिर। मतलब इसको रिकंस्ट्रक्ट किया, जो भी हिस्सा इसका गिरा हुआ था या बुरी स्थिति में था उसको प्रॉपरली स्टिच किया। या मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ पे लिखा हुआ है शिलालेख पे लाउड एंड क्लियर। तो ये देखो यहाँ पे बहुत सारे दगड़ गिरे हुए हैं, ये मंदिर के ही पार्ट था पहले। देखो ये कैसे गिरा हुआ है, तो डिटेल में देखो मंदिर का ही ये स्तंभ है, मंदिर का पार्ट था ये पहले, बट ये गिरे हुए हैं मंदिर से अलग हुए हैं। बहुत ही पुराना है, और इसका डिज़ाइन देखो कितना, मतलब ये सिर्फ मैन मेड है सब कुछ, इसके लिए कोई भी मशीनरी यूज़ नहीं की है, ये सब आदमी ने इसका डिज़ाइन किया हुआ है हाथ से। हज़ारों साल लगे होंगे इसके बनाने में, हज़ारों नहीं बट ऑब्वियसली 50-60 साल तो बने ही होंगे, लगे ही होंगे। तो ये है वो मंदिर। चलो थोड़ा पास से दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे जो इस पे जो कुरीव काम है वो कितना बारीक और सटीक है। यहाँ का डिज़ाइन थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। देखो कितना बारीक डिज़ाइन किया है। तो कुछ मशीन वगैरह तो ऑब्वियसली आदमी के पास नहीं थी, तो ये सब जो बनाया है ये सब आदमी ने बनाया है। बहुत सारे आदमी लगे थे इस काम में। देखिए कितना मतलब बारीकियों से पेटिकुलस काम किया है, इतना बारीक किया है। देखो नृत्य करती हुई महिला है, यहाँ पे कोई देवताओं की मूर्ति दिख नहीं रही है, ज्यादा तो नृत्य करती हुई महिला ही दिख रही है। अगर सबसे ऊपर देखे तो शायद वो गणपति की मूर्ति हो सकती है, सबसे ऊपर ये
गणेश जी की मूर्ति हो सकती है, बट अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। आप जो भी इतिहास तज्ञ अभ्यासक हो गए उनको उनसे पूछना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इस यहाँ में किन किन देवी देवताओं की मूर्तियाँ है या ऊपर का पार्ट गिरा हुआ है। ऊपर का जो है वहाँ पे आप वीट देख रहे होंगे, ब्रिक्स बेसिकली। और अभी मैं जा रहा हूँ सामने फ्रंट पार्ट ऑफ द मंदिर, जो फ्रंट पार्ट है मंदिर का उधर जा रहा हूँ। यहाँ पे गेट है, आप देख सकते हैं क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं पुराना कौन सा है और नया कौन सा है। देखो ये गेट है, अरे मंदिर के अंदर का, आगे अंदर भी जाएंगे हम। फ्रंट पार्ट दिखाते हैं मंदिर का। तो अभी तक जो दिखाया वो है द बैक साइड ऑफ टेंपल, और अभी हम फ्रंट साइड है। अरे फ्रंट साइड के जो आगे है आप देख सकते हैं ये पूर्णा नदी है। ये देखो बहुत ही पूर्णा और तापी का संगम है यहाँ पे। ओके एंड दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द मंदिर। ये जो हमें जूम करके बता दो, वो जो लड़की है अभी वहां से है, वो है एंट्री गेट। ये देखो बहुत जगह ये यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं, बट ये मंदिर का ही पार्ट है। देख सकते इतना सटीक नमूना है कला का। तो उस समय जो आदमी था उसकी कला का ये लाइव एग्जांपल है। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी बोट्स है। चलो बोट शुरू है, शायद बोट सर्विस शुरू है, तो हम बोट में जाएंगे। और जहाँ पे संगम है वहाँ पे वो बोट जाती है, तो जाते हैं हम भी। बोट शुरू है क्या? कुड़े कुड़े बोट शुरू है। ओके चला चला, चलो बोट शुरू है। तो बोट सर्विस का हम लाभ लेते हैं। ये देखो बहुत पुराना पेड़ है और इसकी मूलियाँ बाहर आई है जमीन से, देखो देख सकते हैं। और ये नीम और पीपल का पेड़ दोनों एक मैक में मिक्स हुए है, देख सकते हैं उसका कोट देख सकते हैं आप। मतलब कितना अद्भुत सिनारा है, अद्भुत, एकदम अद्भुत नज़ारा है। ये देखो यहाँ पे श्री गणेश जी की मूर्ति है। यहाँ पे कुछ तो है इसके बारे में हमें पता नहीं। यहाँ पे देखो ये एकदम ब्यूटीफुल लग रही है। चलो आगे चलते हैं बोटिंग के तरफ। तो इस साइड बोटिंग सर्विसेस है। एक रिक्वेस्ट है कि वो कार्ट पे बैठ के ही ना आए, ज़्यादा दूर अंदर तक ना जाए। ये देखो नीचे जा रहे हम लोग, देखो पानी बहुत अथांग पानी है ये, और इसका डेप बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ाना भाई।
मैं बैठा है और नाव शुरू होने वाली है। देखो ये सवारी मिल रही है, 15 पीस सवारी मिल गई नाव वाले को। अभी ये बोट चलने वाली है थोड़ी देर में। ये देखो ये जो स्विमर्स है, बहुत ही तरबेज स्विमर्स है हमारे साथ। चलो बोट शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। और आर यू एक्साइटेड? शुरू हो गई, हम चल पड़े। केला। नेक्स्ट नेक्स्ट।